हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुभव गुप्ता और मैं स्टडी बज़ में जीके और इंग्लिश का फैकल्टी हूँ। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है रोहिंग्या क्राइसिस। फ्रेंड्स, हो सकता है आप सबने इस क्राइसिस के बारे में ज़रूर सुना तो होगा कि यार ये रोहिंग्या क्राइसिस आजकल इतना ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, ये क्राइसिस है क्या? फ्रेंड्स, वैसे तो ये रोहिंग्या क्राइसिस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्राइसिस है, लेकिन अगर हम इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे तो शायद हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। और आ गया पेपरों का टाइम आ रहा है, हमारे पास टाइम वैसे ही कम है, तो मैं आज आपको ये बहुत ही ब्रीफ में कोशिश करूंगा समझाने की कि एक्चुअली ये रोहिंग्या क्राइसिस है क्या। फ्रेंड्स, लेकिन इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि मैं किसी की भी साइड पे नहीं हूँ, कि रोहिंग्या की साइड पे हूँ कि इंडिया की साइड पे हूँ। मैं आपको एक बहुत न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना चाहता हूँ कि रोहिंग्या क्राइसिस एक्चुअली क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, इसी से ही स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले कि ये सबसे पहले ये रोहिंग्या है क्या, ये रोहिंग्या कौन से लोग हैं? फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये बुढ़े से अंकल अपने बहुत सारे बच्चों के साथ जा रहे हैं, एक्चुअली ये लोग है क्या? फ्रेंड्स, ये रोहिंग्या एक मुस्लिम माइनॉरिटी है जो कि अराउंड 1.1 मिलियन यानी कि तकरीबन 11 लाख लोग हैं जो साउथ एशियन कंट्रीज में रहते हैं। फ्रेंड्स, साउथ एशियन कंट्रीज कौन सी हो गई? वो ये सारी कंट्रीज हो गई, साउथ एशियन कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ये सारी साउथ एशियन कंट्रीज हो गई। और मेजरली जो रोहिंग्या रहते हैं वो म्यांमार के अंदर रहते थे। तो ये बेसिकली, ऑल्दो म्यांमार एक बुद्धिस्ट कंट्री है, यहाँ पे मोर देन 95% लोग बुद्धिस्ट हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे जो रोहिंग्या है ये एक माइनॉरिटी की तरह रहते थे। लेकिन फ्रेंड्स, इंडिया और म्यांमार में बहुत ज़्यादा फर्क है। इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस वाला एटीट्यूड था लोगों को लेके, लेकिन म्यांमार के अंदर वो ऐसा एटीट्यूड नहीं था। फ्रेंड्स, कभी कभी इसी कम्युनिटी को, रोहिंग्या कम्युनिटी को, वर्ल्ड की सबसे मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी भी कहा जाता है। परसिक्यूटेड बोले तो, परसिक्यूटेड मतलब जिसपे सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है, यानी कि जिसपे सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है। समटाइम्स कहा जाता है कि इस कम्युनिटी पे दुनिया ने सबसे ज्यादा परसिक्यूशन करी है, लेकिन फ्रेंड्स ये सिर्फ कहा जाता है, इसके पीछे क्या तथ्य है, क्या फैक्ट्स है, ऐसा बहुत डिटेल है वो, तो इसलिए जस्ट इनको बोला जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये बात जाननी जरूरी है कि ये रोहिंग्या हमेशा से ही नहीं म्यांमार के अंदर थे। फॉर एग्जाम्पल, ये वो वाला मैप है इंडिया का जब इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तभी आप देख सकते हैं ये पूरा इंडिया का, मतलब बेसिकली ये ब्रिटिशर्स का रूलिंग कॉलोनी थी। तो जब ब्रिटिशर्स म्यांमार के अंदर भी रूल करते थे तो बहुत सारे इंडिया के अलग अलग पार्ट से और बांग्लादेश के पार्ट से, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, जिसको तब पहले वेस्ट बंगाल से अलग करा करा था और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान बनाया था, उसके बाद इसको 1971 की वॉर के बाद बांग्लादेश का नाम दे दिया गया था आजादी के बाद, इंडिया और बांग्लादेश के कई सारे पार्ट से इंटरनल माइग्रेशन करके ये लोग म्यांमार में, ब्रिटिशर्स ने इनको भेजा था एज अ लेबरर काम करने के लिए, लेकिन फिर इतने सालों में वो वहीं पे ही बस गए और वहीं पे ही रहने लग गए। फ्रेंड्स, इनको रोहिंग्या क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एक बहुत छोटी सी बात है। ये लोग रोहिंग्या भाषा में बात करते हैं, एक्चुअली ये जिन डायलेक्ट में बात करते हैं उसको या तो रोहिंग्या कहते हैं या फिर रुएंगन, रोहिंगा भाषा कहते हैं जिसमें ये लोग बात करते हैं, जो कि अलग है जिससे म्यांमार के लोग जिसमें बात करते हैं, जो कि बुद्धिस्ट है, तो इसलिए भी इनका नाम रोहिंग्या ही पड़ गया। लेकिन फ्रेंड्स, इनके सबसे साथ दिक्कत ये आ रही है कि म्यांमार ने इनको सिटीजनशिप देने से मना कर दिया, तो एक्चुअली ये स्टेट लेस पीपल हो गए। स्टेट यानी कि कंट्री, स्टेट लेस यानी कि वो लोग जिनके पास कोई कंट्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, या फिर यूएसए, यूके, किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो हम उस स्टेट के इंसान हैं, लेकिन रोहिंग्यास किसी भी स्टेट में नहीं है, एक्चुअली इनके पास कोई कंट्री ही नहीं है रहने के लिए, क्योंकि इनको म्यांमार से भगा दिया गया है। फ्रेंड्स, अब ये जानना बहुत जरूरी है कि इनके उत्पीड़न या इनके ऊपर जो जुल्म ढाया जाता है उसका कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है।
फ्रेंड्स, इसके पीछे जहां तक मैं पता कर पाया हूं, जितना आपको जानने की जरूरत है, उसके पीछे ब्रॉडली ये तीन रीजंस हैं। ऑल दो रीजंस तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मोटा माटी ये ही तीन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन ये है, जो ये रोहिंग्या की माइनॉरिटी है, यहाँ पे इंटर रिलीजियस और इंटर कॉम्यूनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी कि आपसी रिलीजन में, यानी कि बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स, यानी कि रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, और इंटर कॉम्यूनल यानी कि अलग अलग कम्युनिटीज को लेके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस माइनॉरिटीज के ऊपर यहाँ पे बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया जाता है। इसके पीछे दो कॉज और हैं जो इसकी वजह से रोहिंग्या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। सबसे पहला है तो एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी कि बहुत ही ज्यादा गरीबी, यानी कि चाह के भी इनको, रोहिंग्याज को, गरीबी से बाहर नहीं निकाला जाता है। और अंडर डेवलपमेंट, यानी कि बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए ग्रुप्स हैं, इनको बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड रखा गया था। फ्रेंड्स, ये सबसे पहला रीजन है। उसके बाद दूसरा रीजन, फ्रेंड्स, दूसरे रीजन में मल्टीपल रीजंस हैं। पहला तो चलो एक सिंपल रीजन था, दूसरा बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से रोहिंग्यास बहुत ज्यादा परसिक्यूट किए जाते हैं। सबसे पहले इनके ऊपर ना बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, फैमिली प्लानिंग को लेके, मैरिज को लेके, लैंग्वेज को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, एजुकेशन को लेके, रिलीजियस चॉइस को लेके, और भी बहुत चीजों को लेके। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, म्यांमार में, यहाँ पे यानी कि नॉर्दर्न म्यांमार के अंदर ये दो जगहें हैं, मुआंगडाओ और बूथी डुआंग, बूथी डोंग, यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या पॉलिसी है कि जो रोहिंग्या कपल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, यानी कि दे हैव अ टू चिल्ड्रन पॉलिसी ओवर देयर। ऑल्सो उनको शादी करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। अगर किसी भी रोहिंग्या कपल को शादी करनी है तो उनको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर इनको अपनी स्टेट छोड़ के कहीं और जाना है काम करने के लिए फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए भी इनको अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। यानी कि हर चीज के लिए इनके पास किसी भी तरीके की फ्रीडम नहीं है, और इनको हर चीज की परमिशन अथॉरिटी से लेनी पड़ती है। उसके बाद फ्रेंड्स, और सबसे बुरा क्या हुआ, 2012 के अंदर ये जो प्रोविंस है, रैखनाइन प्रोविंस, यहाँ पे बहुत ज्यादा दंगे हो गए थे। दंगे कुछ इस तरीके से हुए कि सबसे पहले रोहिंग्या के लोगों को ने बुद्धिस्ट लोगों के घर जला दिए, और बहुत ज्यादा वहां पे कत्लेआम, जेनोसाइड जिसे कहते हैं फ्रेंड्स, कत्लेआम जेनोसाइड हुआ। और ऐसा भी कहा जाता है कि वहां पे बुद्धिस्ट वुमेन के साथ रोहिंग्याज ने रेप भी किया। इसके रिवेंज लेने के लिए जो वहां के बुद्धिस्ट लोग थे, उन्होंने बदले में रोहिंग्याओं को मारा और उनके घर जला दिए। और इसी डर की वजह से बहुत सारे रोहिंग्यास मर भी गए थे, यानी कि 280 के आसपास मर गए थे, और हजारों रोहिंग्या अपना घर छोड़ के भाग गए थे। तो यानी कि जो इस प्रोविंस के लोग थे उनको यहां से भगाया गया। फ्रेंड्स, आप ये लाल लाल वाला पार्ट देख सकते हैं, यहां से जब ये लोग गए तो कुछ लोग बांग्लादेश में आ गए, कुछ लोग इंडिया में आ गए, कुछ लोग थाईलैंड चले गए, और कुछ लोग मलेशिया चले गए। तो ये एक रीजन रहा कि जिसकी वजह से इनको म्यांमार को छोड़ के भागना पड़ा। और जब ये इंडिया में आए तो बेसिकली ये चार जगहों पे रहे, वो मैं आपको अगले आगे डिस्कस करूंगा। तो लेकिन वो जिन कंट्रीज में गए थे वो ये थे, बांग्लादेश, इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। वो रोहिंग्या यहां से छोड़ के इन पांचों कंट्रीज में चले गए। अब फ्रेंड्स, और क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने शायद इन लेडी का नाम सुना हो, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, यानी कि विश्व शांति पुरस्कार इनको मिला हुआ है। और ये शांति पुरस्कार के लिए इन लेडी का नाम है ओंग सांग स्यू की। फ्रेंड्स, थोड़ा सा नाम मुश्किल है, इनका नाम है ओंग सांग स्यू की, ऐसे ही इनका कुछ नाम है, ओंग सांग स्यू की। ये म्यांमार की सुप्रीम लीडर है, मतलब एक्चुअली लीडर म्यांमार की यही है। इन्होंने अपने रिसेंटली पार्लियामेंट में एक भाषण दिया था, एक स्पीच दी थी,
जिसके बाद से क्राइसिस और ज्यादा बढ़ गया। लोगों को लगा था कि ये नोबेल पीस प्राइज की विजेताएं तो ये जरूर रोहिंग्यास के ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए कुछ कहेंगी, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ उल्टा ही कह दिया। इन्होंने ये कह दिया कि हमें इंटरनेशनल स्क्रूटनी से, यानी कि इंटरनेशनल दबाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने ये भी कह दिया पार्लियामेंट के अंदर कि इनको बहुत बुरा लगा फॉर सफरिंग ऑफ ऑल द कम्युनिटीज। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ऑल वर्ड्स बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया देख रही थी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शायद रोहिंग्यास के बारे में बात होगी, लेकिन ओंग मैम ने ये कहा कि वो सबके लिए ही परेशान है, जो कि कोई गलत बात नहीं थी। और उन्होंने कहा है कि शी इज कमिटेड टूवर्ड्स सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर ऑल कम्युनिटीज। तो जब लोग सोच के बैठे थे कि ओंग मैम सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्यास के बारे में बात करेंगी, लेकिन उन्होंने बुद्धिस्ट के बारे में भी उतनी ही स्ट्रांगली बात करी। तो कहीं ना कहीं रोहिंग्यास इससे भी बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया में हड़कंप मचा कि इन्होंने रोहिंग्यास को लेके बात क्यों नहीं करी। उसके बाद फ्रेंड्स, आखिरी हमें देखना है कि जो इससे हमें फर्क पड़ता है, हमें क्यों फर्क पड़ता है कि रोहिंग्यास को इंडिया से क्यों वापस भेजा जा रहा है। आपने सुना होगा न्यूज में, आजकल गवर्नमेंट कह रही है कि इनको डिपोर्ट करेंगे हम, लेकिन डिपोर्ट क्यों करेंगे, इसके पीछे भी क्या रीजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना हलफनामा यानी कि एफिडेविट फाइल किया था। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हमारे पास इंटेलिजेंस के इनफ इनपुट्स हैं, वी हैव इनफ इंटेलिजेंस इनपुट्स इनपुट्स जिसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो भी रोहिंग्यास हैं जो इंडिया के अंदर, यहाँ पे दिल्ली के अंदर, हैदराबाद के अंदर, हरियाणा के अंदर, जयपुर के अंदर, चेन्नई के अंदर, जम्मू के अंदर सेटल्ड है, उनके लिंक्स हैं पाकिस्तान के आईएसआई के साथ और इस्लामिक स्टेट के साथ। तो इंडिया का सीधा सीधा ये कहना है कि ये रोहिंग्यास नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। रीजन बीइंग, अगर ये पाकिस्तान आईएसआई और इस्लामिक स्टेट के साथ मिले हुए हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। ऑल्सो 1951 की यूनाइटेड नेशंस की एक ट्रीटी है जिसका नाम कहा जाता है रेफ्यूजी कन्वेंशन। ये वो वाली कन्वेंशन है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज ने मिला के बोला था कि हम किसी भी रेफ्यूजी को अपनी कंट्री से नहीं भगाएंगे, हम उनको शेल्टर देंगे। लेकिन इंडिया ने इस 1951 की कन्वेंशन के ऊपर साइन नहीं किया था, तो इंडिया इससे बाउंड नहीं है। तो इंडिया को ये कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर कोई लोग बाहर से आके इंडिया में रेफ्यूज लेते हैं तो हमें ऑब्लिगेशन है कि उनको अपने पास रखना पड़ेगा। तो इंडिया पाकिस्तान के आईएसआई और इस्लामिक स्टेट के थ्रेट को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहती, और वो चाहती है कि अराउंड, इस टाइम होम मिनिस्ट्री का कहना है कि 40,000 रोहिंग्यास इंडिया के अंदर वेरियस जगहों पे सेटल्ड हैं कि उनको वापस उनकी स्टेट में भेजा जाए। फ्रेंड्स, मोटा माटी हार्ड एंड फास्ट यही सारे फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से रोहिंग्यास का बहुत ज्यादा परसिक्यूशन हुआ है और इंडिया से भी उनको अब भगाया जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, इसकी कॉन्क्लूजन क्या है? इसकी कॉन्क्लूजन हम बेसिकली यही निकाल सकते हैं कि कुछ तो टेररिस्ट हो सकते हैं, मान लो गरीबी की वजह से और उत्पीड़न की वजह से, लेकिन हर कोई टेररिस्ट नहीं है। अगर इंडिया इनको एकोमोडेट कर सकता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकता है तो हमें इनको भी वापस भेज देना चाहिए, और ये म्यांमार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनको ढंग से एकोमोडेट करें और जहां पे इनको सिक्योरिटी और हर तरीके की फैसिलिटीज मिल सके। फ्रेंड्स, इसी के साथ बस यही था पूरा का पूरा रोहिंग्या क्राइसिस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे इस फोन नंबर पे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछनी है तो आप हमें 24 घंटे हमारी ईमेल आईडी पे कभी भी मेल कर सकते हैं, हम आपको विद इन 24 आवर्स उसका रिप्लाई करेंगे। विद दैट, थैंक्स अ लॉट एंड लेट्स सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।